अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एहसन जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि हम बनाते हैं इसमें अरोमा नहीं आता, टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन खुशबू जब हम देगची खोलते हैं तो जैसे बिरयानी की खुशबू आती है ऐसी खुशबू नहीं आती। मैंने इस पर जो तजुर्बा किया और बहुत सक्सेसफुल रहा और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी वे में है, एज़ यूजल जो मेरे चैनल की खासियत है कि मैं इजी तरीके से आपको चीज़ें बताती हूँ, आसान और सिंपल। तो चलें हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाजरीन, हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो हमने ली है चिकन 1 किलो और इसे मैंने आधा किलो दही में मैरिनेट करके तकरीबन 10 मिनट पहले रखा था। इसके अलावा हमने 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, जो मैंने ब्राउन कर ली है, और इसमें से मैं आधी अभी डालूंगी, आधी जब हम दम देंगे तब इस्तेमाल होगी। इसके अलावा ये हरा धनिया है, पुदीना और हरी मिर्च। ये हरी मिर्च जो है मेरे पास, जो हरी मिर्च है वो खासी स्पाइसी है, तो ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। आप अपने पास जो मिर्चें हों उन्हें उनके हिसाब से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मिर्चों का हिसाब, हरी मिर्च का हिसाब स्पेशली मैं नहीं बता सकती क्योंकि कम ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा लेमन जूस 4 टेबल स्पून है। इसके अलावा ये साबुत गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 10 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 6 छोटी इलायची, और ये जो है आप लौंग देख सकते हैं 6 अदरक। लहसुन अदरक हम इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून भर कर। आप इसे 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं लेवल, लेकिन हम टीस्पून इस्तेमाल करेंगे भर कर। इसके अलावा आप, हम नॉर्मली जो बिरयानी होती है उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें ये बिरयानी मसाला मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से जाके बना के, काफ़ी सारा ये मेरे पास है, ये 3-4 दफ़ा मैं आराम से इस्तेमाल कर सकती हूँ, 1 दफ़ा मैंने बना लिया है। तो इस ये 2 टेबल स्पून जाएगा भर कर। इससे का एक फ़ायदा ये होगा कि इससे एक बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें आएगा। नॉर्मल नमक मिर्च के में वो अरोमा नहीं आता जो आप बिरयानी मसाला डालते हैं, तो उसमें आता है, और इस बिरयानी मसाले में वैसे ही बहुत अच्छा अरोमा आता है। इसके अलावा हम मीट टेंडराइज़र, ये आप देख सकते हैं मीट टेंडराइज़र है, और ये 1 टीस्पून जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं जाएगा क्योंकि हम चिकन की बना रहे हैं। ये जिस वक्त हम दम देने जाएंगे, मैं उस वक्त आपको दिखाऊंगी कि ये इस वक्त हम इसमें डालेंगे। नॉर्मली अगर आप मटन की बना रहे हैं, ये मटन की भी बनती है, और इसको हम ओवरनाइट मैरिनेट करके रखेंगे। चिकन में बन रही है तो हम इसको मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता आप जिस वक्त दम देने जाएं उस वक्त इस्तेमाल करें, वरना आपकी चिकन बिल्कुल ही हलवा हो जाएगी। लेकिन अगर आप मटन में बना रहे हैं तो आप रात में जिस वक्त इसको मैरिनेट करें उस वक्त इसमें आप कच्चा पपीता 2 टेबल स्पून 1 किलो में भर कर, और या मीट टेंडराइज़र 2 टे, अगर मटन है, चिकन में तो 1 टीस्पून भी इनफ है। तो चलते हैं हम बाकी की मैरिनेशन करते हैं। दही हम डाल चुके हैं, और ये देखिए ये लहसुन भर कर 2 टीस्पून गया, ये हमने इसमें सब चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है, और इसे मैरिनेट करके आप ओवरनाइट रख दें, ये सब भी इसमें जाएगा। बहुत ही मज़े की चटपटी बिरयानी होती है, खट्टी होती है, टमाटर बिल्कुल नहीं होते लेकिन खट्टी होती है, एक स्पाइसी और दूसरी खट्टी होती है ये बिरयानी। इसकी यही एक स्पेशलिटी होती है कि ये इसमें ये 2 चीज़ें ना हो तो फिर ये बिरयानी का मज़ा नहीं आता। ये बाकी की प्याज हम जब इसे दम देंगे तब इस्तेमाल होगी। और भी चीज़ें हम दम पे जैसे नॉर्मल बिरयानी में डालते हैं, हरा धनिया, पुदीना और बाकी चीज़ें, तो हम वो भी डालेंगे, लेकिन हम जो है इसमें प्याज भी डालेंगे। अब हम, मैं इसमें ये देखें
इसमें आलू बुखारे, ये मैंने बाद में दोबारा बनाया है तो उसमें आलू बुखारे भी मौजूद हैं, लेकिन मैं इसमें से आलू बुखारे निकाल कर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको भर कर, लेवल नहीं लेना, भर कर, ये लीजिए। अब मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी और इसे ओवरनाइट हम छोड़ देंगे और फिर इंशाल्लाह कल सुबह इसको हम दम देंगे। बहुत इजी बिरयानी है, इस लिहाज से कि इस वक्त हमें कोई कुकिंग नहीं करनी सिवाय इसके कि हम इसे मैरिनेट करके रख दें और फिर उसके बाद जो है सुबह जो है ये डायरेक्ट चावल उबाले जाएंगे और इसको फिर हम दम दे देंगे। बहुत मज़ेदार यम्मी सी होती है। अगर आपको चखना है, मैं आपको चखने का एक तरीका भी बता दूं कि जब आप मैरिनेट कर लेते हैं तो अगर आप ऐसे ही चख सकते हैं, कुछ लोग चख लेते हैं कच्चा गोश्त या कच्ची चीज़ें, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इसमें से थोड़ा सा एक चम्मच लेके आप किसी पैन पे डाल के और उसे थोड़ा सा कुक कर लें और फिर चख लें। वैसे जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ सिर्फ मिर्चों का हिसाब, नमक भी हम अभी थोड़ा सा इसे चख के, क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक मौजूद है इसलिए इसमें मैं अभी टेस्ट करती हूँ और फिर उसके बाद इसमें नमक चेक करती हूँ कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं। ये लीजिए, ये हमारा मैरिनेट हो गया और अब मैं इसमें से इसको चख लूँ। जी नाज़रीन, मैंने इसे चखा, मिर्चें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं लेकिन नमक काफ़ी कम है। तो अब हम इसमें तीन चार, ये हमने 4 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। जी नाज़रीन, मैंने इसमें नमक डाल के फिर दोबारा चख लिया और ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त। अब सिर्फ एक आइटम रह गया और वो है ये मीट टेंडराइज़र। अगर मीट टेंडराइज़र ना हो तो आप कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चिकन में सुबह लगाएंगे जिस वक्त हम इसे दम देने जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा वरना आपकी चिकन हलवा हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको सुबह दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। जी नाज़रीन, हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी और अब सुबह हो चुकी है। अब हम चावलों के प्रोसेस पे आ गए हैं। 1 किलो हमने चावल लिए हैं, 5 ये आप ये देख सकते हैं इसमें हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा ये साबुत गरम मसाला है, 1 बड़ी दालचीनी है, 2 तेज़पात हैं, 4 लौंगे हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 10-12 के करीब ये काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये तकरीबन 6 छोटी इलायची है और 1 टीस्पून ये ज़ीरा है। इसके अलावा हरा धनिया, पुदीना, प्याज, बिरयानी एसेंस, नमक, लेमन जूस 2 टीस्पून मैंने लिया, टेबल स्पून लिया है। और ये अगर आपके पास साबुत लेमन हो तो आप उसे साबुत लेमन भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त लेमन जूस मौजूद था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। लेमन जूस चावलों में डालने से या सिरका डालने से जो इसका सिट्रिक एसिड होता है चावलों को बहुत अच्छा सा एक तो ग्रो करता है, मतलब लंबे होते हैं चावल और खिले खिले रहते हैं। इसके अलावा घी है, घी हम 2 तरह से डालते हैं। एक हम गोश्त में मिक्स कर देते हैं जो हमने मैरिनेट करके रखा है और दूसरा हम ऊपर से डालते हैं। तो तकरीबन ये 1 कप, मेजरिंग कप जो होता है यानी 200 ग्राम का जो मेजरिंग कप होता है उतना घी इसमें जाता है। बिरयानी अगर घी में बनाएं तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आज दोबारा बता रही हूँ कि इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है तो भी तेल को गरम करके फिर इस्तेमाल करें। वैसे तो जो बिरयानी होती है, जो रिवायती बिरयानी आप बाज़ार की खाते हैं और बहुत मज़े लेते हैं, उसमें भी घी ही होता है और घी से इसका फ्लेवर डेवलप होता है।
तो चलते हैं। सबसे पहले मैं चा पानी मैंने चढ़ाया है, अब मैं उसमें ये चीज़ें साबुत गरम मसाला, हरी मिर्च और लेमन जूस और ये नमक, नमक हम 1 किलो के हिसाब से 8 चम्मच डालेंगे। ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसमें क्यों डबल क्वांटिटी डलती है, क्योंकि ये ड्रेन होता है तो फिर इक्वल हो जाता है। तो 8 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हम ये वाला या 1 टीस्पून लेवल डालेंगे इसमें। और जब दम देने लगेंगे तो फिर ये हरा धनिया, पुदीना और हमारा ये प्याज और घी जाएगा। तो चलते हैं हम अब इसको चावल उबालते हैं। जी नाज़रीन, अब हम सबसे पहले कच्चे गोश्त की बिरयानी को दम देने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें ये गोश्त शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें पहले मीट टेंडराइजर इस्तेमाल नहीं किया हो, और अब मैं इसमें 1 चम्मच ये देखिए भर कर मीट टेंडराइजर डाल रही हूँ। चिकन है, फ़ौरन गल जाती है, इसलिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 1 टीस्पून मीट टेंडराइजर है, या आपके पास अगर कच्चा पपीता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 6 टेबल स्पून घी डाला है, जो मैंने रात में नहीं डाला था और अब मैंने इसमें शामिल किया है। ये देखिए, मैंने इसको एक दफ़ा इसमें मीट टेंडराइजर डाल के इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया, ताकि मीट टेंडराइजर सब जगह अच्छी तरह पहुंच जाए। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमने इसकी लेयर बनाई है। और उसके बाद हम हरा धनिया, पुदीना, और अब हम इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। जी नाज़रीन, हमने इस पे चावलों की लेयर लगा दी, जो बचा हुआ हरा धनिया था वो सारा डाल दिया। इसके अलावा ये प्याज सारी तली जो हमने बचाई भी थी वो भी हमने इस पे डाल दी। इसके अलावा हम घी डालेंगे, और घी जो है हम 6 टेबल स्पून गोश्त में डाल चुके हैं। अब 6 टेबल स्पून तकरीबन हम इसके ऊपर से डाल देंगे, 6 जी ना जी। इसके अलावा हमने इसमें फूड कलर, मैं उस वक्त आपको बताना भूल गई थी, एक फूड कलर थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में फूड कलर मत डालिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबल है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर ये आप डालें तो इससे बहुत अच्छा इसमें अरोमा आता है। ये आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान है, जिसे केसर भी कहते हैं। ये मैंने दूध में भिगो के रख दिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दूध है इसमें, मैंने भिगो के रखा था। और अब मैं इसको इस पे एक साइड पे डाल रही हूँ, इससे इसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है। इसके अलावा बिरयानी एसेंस मैंने आपको दिखाया था, चंद कतरे वो जाएगा, इससे भी इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। और अब मैं इस पे ढक्कन लगा के और इसे 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी, क्योंकि नीचे हमारा गोश्त बिल्कुल कच्चा है, इसलिए इसे हम 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे, ताकि थोड़ी कुकिंग शुरू हो जाए और इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए। और 10 मिनट के अंदर ये चिकन बिल्कुल डन हो जाती है, चिकन है इसलिए। तो 10 मिनट का या तो आप अलार्म लगा लें, या कोई आपके पास टाइमर है टाइमर लगा लें, या घड़ी में देख लें। तो आप 10 मिनट इसको तेज़ आंच पे रखें, फिर उसके बाद हम इसको जो है दम पे कर देंगे। जी नाज़रीन, इसको मैंने 10 मिनट के बाद आँच हल्की कर दी है। अब आप इसको किसी तवे पे, या आपके पास अगर वो जो स्टीमर जो दम देने की जाली आती है वो हो मौजूद, तो आप उस पे किसी भी चीज़ पे रख के दम दे दें। और तकरीबन आप हम 20 मिनट के लिए
इसको दोबारा हल्की आंच पे रख रहे हैं। एक मैं आपको टिप देती चलूं कि जब आप चूल्हा बंद कर दें चावलों का, कोई से भी चावल बना रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एकदम ढक्कन ना खोलें। जैसे चूल्हा बंद किया अक्सर लोगों का ढक्कन खोल दिया जाता है, तो अगर आप बहुत अच्छे चावल चाहते हैं तो आप उसको बंद करके चूल्हा 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद खोलेंगे तो आपके चावल बहुत खिले खिले होंगे। तो अब इंशाल्लाह मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार किस्म की कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार है। बहुत इजी और सिंपल वे है। मुझसे अक्सर लोगों ने ये कहा कि हम बनाते हैं तो इसमें अरोमा नहीं आता, इसमें टेस्ट अच्छा होता है लेकिन हाँ शक्ल सही नहीं होती। तो मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की तो उसके बाद ये इतनी अच्छी बनने लगी है कि जो भी खाता है वो बार बार फरमाइश करता है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपने की ये कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।